सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन। मैं हाँ थोड़े नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों ते। केंद्रीय खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा का विशेष सैशन अज। विरोधी धिरों वालों सरकार को सहयोग देने की संभावना। दो दिन चलेगा इजलास। देश में कोरोना के मामलों में तेजी नाल गिरावट। कोरोना के नाल ठीक हुए मरीजों का अंकड़ा 66 लाख ते पहुंचा। देश दे कोरोना रिकवरी दर 88% तो ज्यादा। पंजाब में पिछले 24 घंटे दौरान कोविड के 476 नवे केस। एक्टिव मरीजों की गिनती 5735। खबरां दी शुरुआत कर लैने आ। पंजाब विधानसभा का दो दिन विशेष सैशन अज तो शुरू हो रहा है। इस सैशन का प्रोग्राम देर शाम बीते दिन जारी किया गया सी। सैशन की शुरुआत में विछड़िया रूहां नूं शरदा दे फुल भेट करन तो बाद विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग रखी गई है जिस विच अगले प्रोग्राम नूं अंतिम रूप दिता जाएगा। दस दिए कि केंद्र के खेती कानूनों नूं बेअसर करन दे लई पंजाब सरकार वल्लों सद्दे गए विशेष इजलास का समा भी वधा दिता गया है। पंजाब विधानसभा का विशेष सैशन हुण एक दी बजाए दो दिन चलेगा। सरकारी सूत्रां दे मुताबक दो दिन सैशन विच्चों एक दिन खेती बिलां ते बहस लई राखवां रख्या जाएगा। पंजाब कैबिनेट दी बैठक विच इस बाबत फैसला किया गया जिस तों बाद पंजाब कैबिनेट ने खेती कानूनां दे खिलाफ कारवाई दे सारे अधिकार मुख्यमंत्री नूं दे दित्ते ने। मुख्यमंत्री ने कहा है जे लोड़ पई तां ओह इस मामले नूं सुप्रीम कोर्ट तक लै के जाणगे। इत्थे खास दसनजोग है कि केंद्र सरकार अते किसान जथेबंदियां दे विचाले पलेठी मीटिंग बेसिट्टा रहने तो बाद पंजाब सरकार ने किसानों की मांग प्रवान करदिया विधानसभा का विशेष इजलास बुलाने का ऐलान किया सी। पंजाब विधानसभा के अहम इजलास तो एन पहला श्रोमणी अकाली दल ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहा है कि वह पंजाब के किसानों के अधिकारां दी राखी यकीनी बनाउण दे लई पूरा स्पष्ट कानून लैके आउण, नहीं तां पंजाबियों नूं असफल करन अते भविखी पीढ़ियां तबाह करन दे लई निजी तौर ते जिम्मेवार होणगे। श्रोमणी अकाली दल के विधायक विंग ने कहा है कि पंजाबी ठोस कार्रवाई चाहते ने जो कानूनी पड़चोल विचों भी लंघे अते किसानां खेत मजदूरां ते आड़तियां नूं भी संतुष्ट करे। जेकर अमरिंदर सिंह अजिहा करन विच नाकाम रहे तां फिर उन्हां नूं गद्दार समझा जाएगा। अकाली दल दे विधायक विक्रम मजीठिया ने कहा है कि खदशा प्रगटाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोदी सरकार दे नाल रले होए ने, इस दे लई उन्हां ने हित प्रभावित हो रहे ने। उन्हां नूं भरोसा विच नहीं लिआंदा जो केंद्रीय खेती कानूनां नूं पंजाब विच लागू होण तों रोकण दे लई ठोस कदम ना चुकणा पवे। कि सवेरे सैशन है 11 बजे, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਜ਼ MLA ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। मगर हालात स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कांग्रेस पार्टी दी एडी हालात माड़े हो गए है कि इन्हां नूं आप नूं नहीं पता सी करना की है। सवेरे दो उत्थे सलाह मशवरे चल रहे हैं, एक तो इन्हां नूं समझ नहीं आ रही कि करना की है। मगर जेड़ी अंदरली गल निकल के आ रही है वह निकल के आ रही है कि जेड़ा भी इन्हां ने कागज तैयार किए है ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਦੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
किसान यूनियन वालों पिछले कई दिनों तो माहौराना टोल प्लाजा से लगातार लाए जा रहे धरने के 10वें दिन जिथे किसान अगुआ वालों केंद्र सरकार की रजवी ला पा की गई। इस धरने में सबका विधायक श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान एडवोकेट इकबाल सिंह चुंदा पहुंचे तो उस समय ही धरने में शामिल हुए नौजवानों वालों अकाली दल मुर्दाबाद के नारे लाने शुरू कर दिए गए। किसान अगुआ ने कहा कि धरने में पहुंचे सियासी आगुआ का वो स्वागत करते हैं पर स्टेज तो बोलने का समा किसी भी सियासी आगू नहीं दिता जाएगा। पंजाब विच किसान लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह दिड़बा विच भी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भड़ास कढ़ी। दिड़बा की नज़दीकी पिंड तरबून माजरा विच रिलायंस पंप से अणमिथे समय के लिए किया जा रहा रोस प्रदर्शन 19वें दिन में दाखिल होया। बेशक इस मामले को लैके केंद्र सरकार के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही पर किसान आगुआ ने कहा है कि जदों तक केंद्र सरकार उन्हां दी मंग नहीं मानती उदों तक संघर्ष लगातार जारी रहेगा। केंद्र सरकार वालों जारी किए गए खेती कानूनों को लेकर किसानों के वालों पूरे पंजाब के अंदर लगातार रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस लड़ी के तहत बटाला मुख मार्ग से पेंदे अड्डा अचल साहिब विखे किसानों वालों प्रधानमंत्री का पुतला फूकया गया और केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इस समय किसान आगुओं ने कहा कि केंद्र सरकार वालों खेती कानून पास किए गए ने वो किसानों के लिए मौत के वारंट ने और यह बिल पंजाब विच लागू नहीं होने दिए जाएंगे। देश विच कोरोना वायरस के हालात विच हुण सुधार हुंदा होया नज़र आ रहा है। देश विच कोरोना के मामले में तेजी नाल गिरावट आ रही है। कोरोना के नाल ठीक हुए मरीजों का अंकड़ा 66 लाख के कुल पहुँच गया है। देश विच रिकवरी दर हुण 88% तो ज़्यादा है। इस दे नाल ही एक्टिव केस विच भी लगातार गिरावट आ रही है। माहरां दा कहना है कि हवा प्रदूषण दे नाल भी कोरोना वायरस दे फैलन दा खतरा हुण वध सकदा है। इस दे नाल लोक बीमारी दी लपेट विच आ सकदे ने। हवा प्रदूषण दे नाल कोरोना महामारी दी स्थिति गंभीर हो सकदी है। माहरां दे मुताबक जो लोक पहलां ही इस वायरस तो पीड़ित हो चुके ने उन्हां नूं नवीं चुनौतियां दा सामना करना पै सकदा है। माहरां दे अनुसार सर्दियां दा मौसम आउण वाला है अते कोरोना दे नाल निजिठण दे लई लाई गई तालाबंदी दीआं पाबंदियां नूं हुण घट कीता जा रिहा है। अजिहे विच कोरोना दी स्थिति होर गंभीर हो सकदी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में सी। पंजाब विच हुण जे कोरोना की गल करिए 24 घंटिया दौरान 13 मौत हुई ने। 476 नवे केस सामने आए ने। इस दे नाल एक्टिव मरीजों की गिनती 5735 हो गई है। जदों तो पंजाब दे अंदर कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई विच सत्ता संभाली है तां पंजाब दा रिकॉर्ड तोड़ विकास होया है। यह कहना है कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत दा। मंत्री धर्मसोत वालों रियासती शहर नाभा दीआं वख-वख संस्थावां नूं स्थानक रोटरी क्लब विखे विकास कारजां दे लई करोड़ां रुपए दीआं ग्रांटां दे चैक तकसीम कीते गए। रियासती शहर नाभा दे चल रहे विकास कारजां संबंधी कैबिनेट मंत्री धर्मसोत ने कहा कि शहर दे सुंदरीकरण लई करीब 50 करोड़ रुपए तो उपर दी राशि विकास कारजां ते खर्च हो चुकी है ते जल्दी ही जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है वह भी लोगों के सपुरद हो जाएगा। इस नाल शहर विच पानी खड़न की समस्या लगभग जड़ों खत्म कर दिया जाएगा। भाजपा आगुआ के शब्दी हमले करदे उन्होंने कहा कि भाजपा के आगुआ नूं पंजाब के लोग मूंह नहीं लाउणगे। पिछले दिनों तो भी सरकार आपके द्वारा उसके तहत किन्ने करोड़ के चैक ने जो वख-वख संस्थावां नूं दित्ते? मैं इस साल संस्थावां नूं धर्मशालावां नूं होर जिहड़े सांझे काम ने उन्हां वास्ते मेरे ख्याल 1,85,00,000 रुपये इस वारी दे रहा हां। निहाल सिंह वाला नज़दीक पिंड तख्तूपुरा पिंड विचों लंघते रायकोट रजवाहे विच एक महीने विच तीसरी बार पाड़ पैण दे नाल पिंड तख्तूपुरा दे किसानां दी सैकड़े एकड़ झोने दी पक्की फसल पानी विच डुब गई। तख्तूपुरा दे साबका सरपंच ने दस्या कि पिछले कई सालां तों सूए दी सफाई ना होण दे कारण किसानां दी सैकड़े एकड़ झोने दी पक्की फसल नुकसानी गई है। उन्हां कहा है कि फसल दा जो नुकसान होया उस दे जिम्मेवार नहरी विभाग है।
अमृतसर विच जोड़ा फाटक ते वापरे रेल हादसे नूं 2 साल पूरे हो गए ने, पर इस मामले विच पीड़ता नूं ना तां सहायता मिली है अते ना ही इंसाफ। इस घटना नूं लैके श्रोमणी अकाली दल वल्लों कैंडल मार्च कढ़िया गया, जिस दी अगवाई गुरप्रताप टिक्का ने की। इस मौके पीड़ित परिवारां ने कहा कि पंजाब सरकार ने उन्हां दी सार नहीं लई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का 350वां जन्म दिहाड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज फतेहगढ़ साहिब विखे मनाया गया। इस मौके पर गुरमत समागम भी करवाया गया। गुरमत समागम दौरान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के हैड ग्रंथी भाई हरपाल सिंह वालों बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन से आधारित कथा भी की गई। गुरमत समागम की आरंभता दौरान सिंह साहिब ज्ञानी हरपाल सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन और प्राप्तियों का जिक्र करदिया मुगल साम्राज्य के वधदे जुल्म लोगों को इंसाफ दवाने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों दलेरी और बहादुरी नाल निभाई भूमिका नाल सिख राज की स्थापना करना और खालसे की होंद हस्ती का प्रतीक बारे दसिया। पंजाब दीआं जेलां विच्चों मोबाइल फोनां दा मिलना चिंता दा विशा बनदा जा रहा है। इसे कारण जेल प्रशासन ते भी सवाल खड़े हो रहे ने। आए दिन जेलां विच्चों वड्डी गिनती विच्चों मोबाइल फोन बरामद हो रहे ने। केंद्रीय जेल पटियाला विच्चों चैकिंग दौरान 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए ने। इस दी पुष्टि थाना त्रिपड़ी दे मुखी हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने की। उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने जेल विच्चों फोन आया सी जिथे चैकिंग दौरान 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस दे आधार ते अगली कार्रवाई की जा रही है। एक्साइज विभाग लुधियाना वालों मुलापुर लागे दरिया से छापेमारी दौरान 31,000 लीटर नाजायज शराब और लाहन की वड्डी खेप फड़ी गई है, जिस विच 31 तरपालों में रखी लाहन के ट्यूबों में भरी गई शराब भी बरामद की गई है। सीनियर अधिकारी ने दसिया कि पुलिस वालों इस मामले में जिम्मेवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुशियारपुर ऊना रोड से पेंदे पिंड बजवाड़ा विखे एक व्यवता वालों फाहा लैके खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच के जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार सतविंदर कौर पत्नी सतविंदरजीत सिंह निवासी बजवाड़ा ससुराल पक्ष नाल लड़ाई झगड़ा रहने के कारण व्यवता ने यह कदम चुकया। लड़की के चाचा राम सिंह ने दसिया कि सतविंदर कौर का उसके सहुरे नाल झगड़ा होया सी। दसिया जा रहा है कि 2019 विच सतविंदर का ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।